गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक्स का आरएसएम एसएसबी और आरपीएससी एएसओ के लिए। टॉपिक का नाम आप देख रहे हो कोरिलेशन यानी सहसंबंध। वीडियो थोड़ा डालने में देरी हो गई इसलिए कि थोड़ा टाइम का अभाव चल रहा है, और वैसे लगभग अपने जो नॉर्मल टॉपिक तो हो गए हैं, कुछ टॉपिक रहे हैं जिससे कोरिलेशन रह गया, एक रिग्रेशन वाला टॉपिक रह गया, कुछ लोग कह रहे हैं वाइटल स्टैटिक्स वाला टॉपिक भी नहीं हुआ है। तो वाइटल स्टैटिक्स में तो ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें कोई ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम ही बढ़ते हैं, बाकी मेरे को टाइम मिला तो मैं वो भी आपको करवाऊंगा। और एक सैम्पलिंग वाला टॉपिक रह गया, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि सैम्पलिंग का जो टॉपिक है वो किताब से थोड़ा समझ में आना मुश्किल है, तो अपन उसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। बाकी तो लगभग लगभग हो गए हैं, बाकी वो आपको राजस्थान की इकोनॉमिक्स तो मिल ही रही होगी, उसका भी पोर्शन है अपने, और एक इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पे वो करना है, प्राइस डिटरमिनेशन इन वेरियस मार्केट्स, वो टॉपिक थोड़ा हार्ड है, तो वो भी प्रयास करेंगे कि हो जाए, मतलब टाइम मिला तो बिल्कुल आपको करवाएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है कोरिलेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा हार्ड टॉपिक है, तो मैं आपको मतलब थोड़ी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो छोड़िए बन जाइए बीच में, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें संयम रखना पड़ेगा सीखने के लिए, बाकी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आए आपके। तो अपन आज डिस्कस करते हैं कोरिलेशन के बारे में, सहसंबंध। देखो, सहसंबंध का मतलब ये होता है कि दो चरों के बीच रिलेशनशिप का पता लगाना ही क्या है, सहसंबंध है। जैसे अब मैंने परिभाषा भी लिख रखी है इसकी, वर्ड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएंस, यानी दो चरों के बीच के अंतर, दो चरों के बीच के संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं, उसका पता लगाना ही क्या है, सहसंबंध है। या अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरियंस, यानी अपने को क्या चाहिए, टू वेरियंस चाहिए, दो चरों के बीच क्या रिलेशनशिप, उसका मेजरमेंट करना ही क्या है, कोरिलेशन है। अब थोड़ा सा क्या लैंग्वेज हार्ड है, और आपने पढ़ भी ली होगी किताब से, तो समझ में आ गया है तो ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो और समझ लेते हैं। यहां पे देखो, समझते हैं अपन, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। आप कहोगे ये तो किताब में मिल जाता है हमें डेफिनेशन और सारा कुछ, तो कोई फायदा तो मतलब वीडियो देखने का, तो अपन समझते हैं। देखो, अपनी भाषा में समझेंगे इसको कि कोरिलेशन होता है क्या है, सहसंबंध क्या होता है। देखो, अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार है, ठीक है, कार का मतलब कार चलाने वाली कार, ठीक है। ये क्या है कि इसकी डिमांड है ना, कार की डिमांड है, डिमांड है, डिमांड का मतलब मांग, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है ना मांग, यानी कार की सेल, ये मान लो आप, या डिमांड मान लो, ये कई चीजों पर निर्भर करती है। किन किन चीजों पर निर्भर करती है, एक तो इसकी प्राइस पे, यानी इसके मूल्य पे। मूल्य का मतलब ये हो गया कि बिजनेस से मूल्य यदि कम है होगा तो कार की डिमांड ज्यादा होगी, मतलब मार्केट के अंदर लोग कार की डिमांड ज्यादा करेंगे, और यदि इसका मूल्य बढ़ जाता है तो क्या कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अपनी ये पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस भी यदि बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है, या मतलब बहुत ऊंची चल रही है, तो क्या है, लोग कार कम खरीदेंगे, क्या है कि कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार तो महंगी है ही, उसको चलाना भी मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो ये भी क्या है, पेट्रोल की प्राइस है, डीजल की प्राइस है ना, ये भी क्या है, कार की डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और एक फैक्टर और डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट, जो उसकी सब्स्टिट्यूट जो ब्रांड है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है इस पे। प्रभाव ऐसे पड़ता है कि जैसे कार मान लीजिए अपने, ये मारुति की कार है, तो मारुति का सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, कंपटीटर हुंडई मान लेते हैं अपन, हुंडई है ना आजकल, हुंडई, हुंडई। अब यह क्या, हुंडई की कीमत गिर जाएगी ना, तो ये मारुति की कीमत है क्या, मारुति की डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मारुति की डिमांड भी गिर जाएगी, क्यों, हुंडई सस्ती होगी, हुंडई खरीदेंगे लोग, मारुति क्यों खरीदेंगे। तो ये क्या है, सारे फैक्टर्स अपन देखते भी है, मतलब अपने जीवन के अंदर, कि भाई
कोई भी चीज उसको क्या प्रभावित करने वाले बहुत से वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन अपनी परिभाषा क्या है रिलेशन, कोरिलेशन के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो कोरिलेशन ये कहा गया है टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स होने चाहिए, उनके बीच के संबंध को पता लगाना है क्या है कोरिलेशन है, सह संबंध है। तो अपन वेरिएबल दो ही पकड़ेंगे, ये पकड़ लेते हैं अपन प्राइस, तो अपन क्या करेंगे एक तो डिमांड है कार की और एक क्या प्राइस, इन दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है कोरिलेशन ये पता करेंगे। टू वेरिएबल्स अपने पास हो गए, ये एक्स मान लो ये वाई मान लो, अब इनके बीच यदि अपन अंतर संबंध या सहसंबंध का पता लगाएंगे ना तो वो होगा कोरिलेशन, यानी टू वेरिएंस सही, टू वेरिएंस अपन ने ले लिए, बाकी फैक्टर अपन छोड़ देते हैं। दो वेरिएंस का पता लगाओ और उसके अंदर उसके बीच का यदि अपन मेजरमेंट करते हैं कि भाई इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं कोरिलेशन कहते हैं। समझ में आया आपको कोरिलेशन क्या होता है? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है कि थोड़ा टफ एग्जाम है, एग्जांपल आप ये कहोगे कि हर बार इकोनॉमिक्स के एग्जांपल दे देते हैं तो कहां से समझ में आएगा, ये तो सारी किताबों में मिल जाते हैं। मुझे कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं अभी बढ़िया वाला, जिससे आपको क्या है ये समझ में आ जाएगा। समझते हैं, जैसे ये मान लेते हैं इस बार जो फसल है ना, फसल फसल का मतलब फसल ही होती है, क्रॉप बोलते हैं क्या, क्रॉप क्रॉप। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई, ठीक है आपको मतलब इस बार क्या फसल में उत्पादन जो आपका है प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया हुआ, तो ये किन किन चीजों में इफेक्ट पड़ सकता है भाई? कोई ये कह सकता है कि इस बार फसल इसलिए अच्छी हुई क्योंकि इस बार क्या बरसात बहुत अच्छी हुई थी, बरसात यानी वर्षा, बरसात बहुत अच्छी हुई थी। कोई ये कह सकता है कि भाई इस बार क्या है कि मतलब सरकारी योजनाएं बहुत बढ़िया थी, सरकारी योजनाएं बहुत बढ़िया थी इसलिए क्या है फसल बहुत अच्छी हुई। कोई ये कह सकता है कि इस बार क्या है कि सस्ती मजदूरी का भी क्या इफेक्ट पड़े, और कोई इफेक्ट डाल देते हैं कीटनाशक, कीटनाशक क्या सब्सिडी पर मिले अपने को, यानी सब गवर्नमेंट ने कीटनाशकों को क्या सब्सिडी पे किसानों को प्रोवाइड करवाया, जिससे किसान क्या है कि टाइम पे कीटनाशक क्या वो अपने कीटनाशकों का प्रयोग अपने फसल पर उसका उपयोग किया तो क्या हुआ फसल अच्छी हुई। तो ये कई फैक्टर हो सकते हैं कि आपके मतलब फसल अच्छी होने का। तो अब क्या करेंगे अपने को कोरिलेशन करना है, अपन ये पता लगाते हैं कि बरसात का और ये फसल के अच्छे होने के बीच में क्या संबंध है, मतलब रेनफॉल का और क्रॉप के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यदि मतलब बरसात कम होगी तो क्या होगा फसल या तो होगी ही नहीं या फिर फसल कम होगी, या बरसात मतलब ज्यादा होगी तो क्या फसल अच्छी होगी। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये क्या है फैक्टर्स अपने, इनके बीच के रिलेशनशिप को पता लगाने क्या है कोरिलेशन है। तो सबसे पहले क्या अपने को समझना पड़ेगा इसको कि भाई है क्या, जब तक ये दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना कि सहसंबंध है क्या चीज, तब तक अपन पेपर के अंदर कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। और जब तक आप उस क्वेश्चन को कोरिलेट नहीं कर पाओगे ना भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो फिर थोड़ा क्या है कि उत्तर देना हार्ड हो जाता है क्योंकि अपन कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे, अपने पता ही नहीं चल रहा है कहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले इसको क्या समझना जरूरी है, सहसंबंध स्टेटिक्स को वैसे भी रटना थोड़ा मुश्किल ही है तो अपन समझ समझ के करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है ये आपके समझ में आ गया होगा, तो सहसंबंध तो आपको समझ में आ गया कि दो वेरिएंस चाहिए अपने को, उनके बीच के रिलेशनशिप का पता लगाना है और उसका मेजरमेंट करना है, ये वही है सहसंबंध। अब देखो अपन आगे चलते हैं थोड़ा बेसिक से, इधर जाग गए आप। देखो ये जो कोरिलेशन है ना सहसंबंध, इसका एक चिन्ह होता है ये वाला आर, ये इसका साइन है आर सहसंबंध का। अब एक और खास बात है सहसंबंध की, ये हमेशा सहसंबंध है ना प्लस माइनस एक के बीच में के वेरी करता है, यानी इसके बीच में आएगा हमेशा मान प्लस और माइनस एक के बीच में। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि सहसंबंध है वो किन के बीच वेरी करता है, प्लस माइनस एक। अब थोड़ा और समझते हैं इस प्लस माइनस एक को। देखो यदि कोरिलेशन
कोरिलेशन प्लस एक है ना आपका, कोरिलेशन प्लस एक है ना आपका, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ये चीज क्या है कि बार बार कहते हैं लोग भी बड़ा नहीं लिखते हो आप, तो क्या करें अभी, इसको भी पेन की तरह चलाने की आदत होगी थोड़ी। देखो ये कोरिलेशन आपका प्लस एक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब हो गया पूर्णतः सकारात्मक सहसंबंध, एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये यदि आपका कोरिलेशन वो माइनस एक है, उसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नेगेटिव कोरिलेशन। देखो यदि आपका ये आर बराबर प्लस एक है, इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन, और यदि ये आर बराबर माइनस एक है, इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये छोटे क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो जाते हैं डायरेक्ट, तो अपने को ध्यान देते रहना है और समझते रहना है, धीरे धीरे कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ये यदि आर कोरिलेशन ग्रेटर देन जीरो है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि ये आर बराबर लेस देन जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। और ये आर बराबर जीरो हो गया तो इसका मतलब नो कोरिलेशन, कोई सहसंबंध नहीं है। और आप ये मत कह देना कि ये तो सारी किताबों में लिखे हुए, आप क्या एक्स्ट्रा क्या बता रहे हो, समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ, आप टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हो, जैसे ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो देखो कुछ और आपको समझाते हैं। देखो पॉजिटिव पहले अपनी नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन ये है कि मान लीजिए क्या है ये, जैसे ये मान लेते हैं कि अपने किसी वस्तु की मांग है ना, किसी वस्तु की मांग गिर जाएगी, कब गिरेगी, जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, तो उस वस्तु की मांग है वो गिर जाएगी। ये क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है आपका, ठीक है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का उदाहरण क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन का उदाहरण ये हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन का समझ में आ गया ना आप, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग गिर जाती है, तो क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। आप पॉजिटिव कोरिलेशन समझो, पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसे समझो कि मान लीजिए भाई इस बार क्या फसल ज्यादा हुई क्योंकि वर्षा अच्छी हुई, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। वर्षा यदि अच्छी हुई ना, बरसात रेनफॉल अच्छा हुआ, तो आपकी फसल में क्या बढ़ोतरी हुई, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन में ये मतलब एग्जांपल देके भी पूछ सकता है वो आपको, एक ऐसा एग्जांपल दे दे कि इस वर्ष मतलब फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ क्योंकि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इतने परसेंट वर्षा अधिक हुई, किस प्रकार का रिलेशन है, तो ये क्या सकारात्मक कोरिलेशन है, सहसंबंध है। तो आपको क्या समझना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको थ्योरी याद होगी तो आप कर दोगे थोड़ा कुछ ना कुछ, प्रैक्टिकल भी नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो दे रखा है ना आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो यानी नो कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन है ही नहीं है, सहसंबंध है ही नहीं है, इसको कैसे समझोगे। देखो इसको एक एग्जाम्पल समझो, ये मान लीजिए आप चंबल नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, चंबल नदी में बाढ़ आ गई, और क्या हुआ कि जैसलमेर में फसल का उत्पादन बढ़ गया, कोई है क्या सहसंबंध, बाढ़ आई चंबल नदी में जो कि रावली की उस साइड है, और आप कह रहे हो कि भाई फसल बढ़ गई जैसलमेर के अंदर, बाजरे की फसल बढ़ गई, तो ये संभव है क्या, तो ये आर बराबर जीरो है, मतलब जो आप वेरिएबल ले रहे हो ना वो एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए, मतलब आश्रित होने चाहिए, उनका आपस में सहसंबंध होना चाहिए,
तभी अपन ये कोरिलेशन ज्ञात कर पाएंगे, जिसका मतलब होता है जीरो, मतलब जिसके बीच जो आश्रित नहीं है ना, वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो उनका मतलब कोरिलेशन निकालना असंभव है, इसका नो कोरिलेशन बोलेंगे, इसका हो ही नहीं सकता, कोरिलेशन निकल नहीं सकता। चंबल नदी के में बाढ़ आने से जैसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। तो ये हो गई सहसंबंध की थ्योरेटिकल पोर्शन, अब अपन आगे चलते हैं इसके आगे, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बता दिया था कि छोड़ के मत जाना, बीच में छोड़ के चले जाओगे ना तो ये चैप्टर होगा नहीं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ है, तो आप धैर्य बना के रखो, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो मैंने फॉर्मूला तो आपके लिए लिख ही रखा है पहले से ही, उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कोरिलेशन निकालने के मेथड कितने हैं, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन यानी सहसंबंध निकालने के कितने मेथड है अपने अपने है। देखो एक तो है कॉल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक तो है कॉल पियर्सन का सहसंबंध निकालने का मेथड, दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, यानी ये स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, इसमें क्या होता है रैंक दी जाती है, तो अपने इसको समझेंगे डिटेल से। तीसरा दे रखा है स्केटर डायग्राम, इसमें क्या है सहसंबंध को एक डायग्राम के माध्यम से समझा जाता है, स्केटर डायग्राम, स्केटर का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, हिंदी छित्तर बित्तर होता है इसका मतलब, ठीक है, स्केटर डायग्राम। और चौथा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, संगामी विचलन, तो ये भी आपके आएगा चार नंबर, तो अपन इसको धीरे धीरे एक एक करके सभी को समझेंगे। तो ये अब देखो अपन सबसे पहले ये करेंगे कॉल पियर्सन वाला, सबसे पहले अपन करेंगे कॉल पियर्सन, ये नाम इसे याद रखना, आपसे टेस्ट में बहुत बार आता है कॉल पियर्सन का सहसंबंध। कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक फॉर्मूला मैंने आप लिख रखा है साइड में, देखते रहो आप, बाकी एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखो फॉर्मूला देख के घबरा मत जाना और क्या है धैर्य बना के रखना, सीख जाएंगे। देखो एन सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर इंटू, ये डॉट का मतलब हो गया भाई इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, मैं इसको मिटाने वाला हूं, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अपन सबसे पहले सीखेंगे कॉल क्रिएशन का सहसंबंध गुणांक, और इसमें भी सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां से लिख रखा है फॉर्मूला, आप देखते रहना, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, यहां थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये तो है सिग्मा एक्स की स्क्वायर और ये है सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर। फिर देखो आगे इसी प्रकार सिग्मा एक्स वाई की स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। देखो याद करने का छोटा सा तरीका है, रखना पड़ेगा पहली बात तो आपको ये, दूसरी बात ये है कि यदि आप इसको याद कर लेते हो ना, देखो एन सिग्मा एक्स की स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ रिप्लेस करना है तो वाई से, बाकी कुछ नहीं करना है, नीचे वाला आपको याद हो गया होगा, ऊपर वाला अपन धीरे धीरे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगा। नीचे वाला कर लो आप तो एक एन इंटू सिग्मा एक्स की स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, अब देखो एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, वहीं से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये नीचे वाला बढ़ गया सिग्मा वाई की स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर, बाकी ऊपर वाला भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा है क्या ये प्रॉब्लम। चलो दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल देखो, एक देखो मैंने पहले बताया था टू वेरिएंस चाहिए, टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक तो एक्स और एक वाई, एक्स ले लीजिए एक दो तीन चार पांच, ठीक है, वाई ले लेते हैं सेवन सिक्स फोर फाइव थ्री, ये आ गए आपके पास वाई, ये एक्स ये वाई, कोई दिक्कत होगी नहीं।
दिक्कत इसमें क्या है, एक्स और वाई ले लिया अपन ने। अब देखो अपने को तीन चीज याद करनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले याद करना पड़ेगा एक्स का वाई से गुणा, फिर याद करना पड़ेगा एक्स की स्क्वायर, फिर याद करना पड़ेगा वाई स्क्वायर। देखो ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे फॉर्मूले में इसको सेट करेंगे ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये लो और ये लो, ठीक है अपन पढ़ा लेते हैं टेबल, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स, एक और दो तीन, तीन छह चार दस और पांच पंद्रह। फिर देखो वही का टोटल करो, सात और छह तेरह और चार तेरह चार सत्रह, सत्रह और तीन बीस, पांच पच्चीस। ठीक अब करेंगे एक्स इंटू वही, सात एकम सात, दो छक्के बारह, चार तीय बारह, पांचो बीस, तीन पंजे दोबारा चेक कीजिए। ठीक आप जोड़ दीजिए आप सिग्मा एक्स वाई, जल्दी जल्दी करने कोशिश करते हैं ताकि टाइम नहीं लगे अपना। सात प्लस बारह प्लस बारह प्लस बीस प्लस पंद्रह, ये हो गए छियासठ सिग्मा एक्स वाई। अब देखो दोस्तों x की स्क्वायर करनी है, x ये रहा 1 की स्क्वायर, 1 2 की स्क्वायर 4 3 की स्क्वायर 9 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर 25। तो ये क्या आ गया अपने पास सिग्मा x की स्क्वायर, जोड़ दीजिए 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो गए 55, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है भाई कीजिए 7 की स्क्वायर 49, छह की स्क्वायर 36, चार की स्क्वायर 16, पांच की स्क्वायर 25, तीन की स्क्वायर 9, देखिए 49, 36, 16, 25 और 9, ये कितनी हो गई 135, सिग्मा वाई की स्क्वायर कितनी हो गई 135। ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत यहां तक तो दिक्कत होगी नहीं, अब आगे चलते हैं अपन। फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं आपको एक बार याद रह जाएगा, जब यहां लिख देता हूं जब ऐसा करता हूं r बराबर n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x और सिग्मा y। ठीक है ये रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x की होल घात होल स्क्वायर सॉरी इनटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई दी होल स्क्वायर। ठीक है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो दोस्तों एन, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक दो तीन चार पांच मैं यहां लिख रहा हूं। देखते रहना आप एन यानी पांच इंटू सिग्मा एक्स वाई, देखो सिग्मा एक्स वाई कितने है 66, सिग्मा एक्स वाई 66 आ गए। ठीक है माइनस थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है ना, मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ हल कर लेते हैं एक सेकेंड। देखो यहाँ हल कर लेते हैं कोई बात नहीं। आर देखो सबसे पहले एन, एन का मतलब पांच, ठीक है इंटू सिग्मा एक्स और वाई, सिग्मा एक्स और वाई कितने हो गए 66। ठीक है माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स देखो ये रहा 15 इंटू सिग्मा वाई, वाई कितना है 25। ठीक है रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन कितना है दोस्तों 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर देखो कितनी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखिए 55। अब देखो शाम का टाइम है, थोड़ा थोड़ा मत ध्यान देना आगे थोड़ा सा। ये देखो सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर है तो माइनस करेंगे सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स देखो कितना है 15, अब देखो एन 5 सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर ये रहा 135 माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर, सिग्मा वाई देखो 25 है ना
तो 25 की ओर स्क्वायर निकालूंगा, ये हो गया सारा। अब इसको हल कर देखते हैं एक बार। तो देखो आप 66 इंटू 5 कितने हुए, 330 माइनस 15 इंटू 225, सॉरी 15 इंटू 25, ये हो गए 375। अब देखो दोस्तों 55 इंटू 5 275, ठीक है। माइनस करते हैं अपन 15 स्क्वायर 225, ठीक है, इंटू 135 इंटू 5 675, माइनस 25 की स्क्वायर 625। तो ये देखो दोस्तों कितने बचे, 330 माइनस 375 दो आप, कितने बचे माइनस के 45। अब देखो रूट 275 में से घटाओ 50, सॉरी 275 में से घटाओ 225, बच गए 50, और गुणा 675 माइनस 625, ये भी बच गए आपके 50। देखो क्या आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर बचा आपके माइनस 45, नीचे बचे 50, इसको काटो कितने आए 45 में भाग दीजिए 50 का, ये आ गए दोस्तों माइनस 0.9। मैंने आपको क्या कहा था, कोरिलेशन हमेशा प्लस माइनस एक के बीच में आएगा, हमेशा इसके बीच ही वेरी करेगा ये। तो ये अपना है, आपने समझ लिया होगा, डायरेक्ट मेथड है कोरिलेशन का, सहसंबंध गुणांक निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका, बाकी आप समझ सकते हो इसमें क्या कुछ हुआ। तो इसको एक बार आप ट्राई करो घर पे, ट्राई करो, और मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया है, तो कोरिलेशन में प्रैक्टिस ही काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपको वीडियो चल रहा है उसको एक बार पॉज करो 2 मिनट के लिए, ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो आप सॉल्व करो, यदि इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ये एक्स और वाई मान देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें याद निकालना है कोरिलेशन। वीडियो एक बार पॉज करो 2 मिनट के लिए, और ये क्वेश्चन उतारो और इसको सॉल्व करो। यदि इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं इसका सोल्यूशन करूँ, आपको बता सकूँ यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाए।